हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबीस रिव्यूज। इस वीडियो में हम लोग 121 एसेज बाई दिशा पब्लिकेशंस का मैं रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि सब लोगों को पता है मेंस के लिए जो एसे जो टॉपिक रहते हैं उसके लिए कोई अलग से कोचिंग आपको नहीं मिलते हैं और एसे का कोई भी प्रॉपर बुक भी अवेलेबल नहीं है। इवन इफ आप कोई भी दिल्ली का बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया तो बाकी सारा सब्जेक्ट के लिए आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, बट एसे के लिए कोई स्टडी मटेरियल नहीं रहता है एक्चुअली। तो बट सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्या होता है, हमारा जो ऑप्शनल से सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है एंड ऑप्शनल भी सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, बट लोग प्रॉपरली जो राइट तरीके से प्रिपेयर नहीं करते इसलिए वो ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते, बट जो जिसको भी थोड़ा बहुत आते हैं वो अच्छी खासी स्कोर लेके आते हैं। ओके, तो ये काफी स्टूडेंट्स के बीच में एक पॉपुलर बुक है 121 एसेज, तो ये दिशा का है। तो इसमें लाइक अराउंड 7-7 सेशन इसमें डिवाइड किए हैं, लाइक कलेक्शन ऑफ एसेस है, एसेस और आर्टिकल्स एक्चुअली। तो यूजली कॉमन टॉपिक से ऊपर ही मतलब क्वेश्चन पूछते रहते हैं। प्रीवियस ईयर आप एसे का जो क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो यूजली लाइक वुमन एम्पावरमेंट जो बेसिक टॉपिक रहते हैं उसके ऊपर ही आता है, बट आप कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं उसके ऊपर आपका वैल्यू बढ़ जाता है। एग्जाम्पल स्वॉट दे हैव मेंशन, लाइक स्वॉट एनालिसिस सब लोग थोड़ा बहुत जानता होगा जो भी मैनेजमेंट फील्ड में है, लाइक स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा एरिया में ये लोग आपको बताने वाले हैं। और इसका प्राइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 225 रुपीज़ है, बट आपको लेस दैन 200 रुपीज़ में मिलेगा। उसके लिए जो लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है वहाँ से आप अगर आप चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी छोटा बुक है, जो कवर वगैरह तो डिसेंट है, हमें कंटेंट से मतलब है। ओके, काफ़ी सारा बुक है, मतलब कवर काफ़ी अच्छा लगता है बट कंटेंट इतना अच्छा नहीं लगता, बट दिस बुक इज़ रियली गुड एक्चुअली। ओके, सो अभी हम देखते हैं इसका कंटेंट्स क्या है। जो सेक्शन ए में जो पॉलिटी और नेशनल इश्यूज के बारे में कंटेंट्स प्रोवाइड किए, तो अलग अलग टॉपिक है, आप इसको वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं एक्चुअली, लाइक आरटी एक्ट, आधार, तो ये सब चीज़ सिर्फ एसे के लिए भी नहीं, अगर आप एक बार पढ़ने से आपका जनरल स्टडीज़ के लिए भी ये यूजफुल आ सकते हैं। ओके, एंड दूसरा सेक्शन है इकोनॉमी का, लाइक बैंकिंग क्राइसिस, ईज ऑफ ड्यूइंग, आरबीआई बैन ऑन मेक इन इंडिया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक बार पढ़ने से सिर्फ आपका पूरा मेंस का प्रिपरेशन भी थोड़ा बहुत एनरिच हो जाता है। तो यूपीएससी का मेन चीज़ क्या है, कोई भी सब्जेक्ट आप ढंग से पढ़ो तो बाकी सारा जगह में यूज आ सकते हैं। एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में, पॉलिटी का, सोशल इश्यूज़ के बारे में है, एनवायरमेंट के बारे में है, ओके, और एजुकेशन के बारे में है, एंड प्रोवर्ब्स, कोटेशन एंड स्लोगन्स, ये जो कोट्स हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं मेंस का कोई भी एग्जाम लिखते हैं, जो भी रिलेटेड कोट्स ऑलरेडी एक कलेक्शन लोगों ने प्रोवाइड किया है वो आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा। ठीक है, हम वैसे भी एक एसे का बुक खरीद रहे हैं, तो हम क्या पहला चीज़ हम क्या सोचते हैं, मतलब कैसे लिखना है, तो गाइडलाइंस ऑफ एसे राइटिंग उन लोगों ने बताया है, लाइक कैसे सो टॉपिक को सेलेक्ट करना है, कैसे प्लान करना है आपका जो राइटिंग है, और राइट कैसे करना है, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा एक बेसिक प्लान दिया है, काफ़ी यूजफुल है जिसको कुछ भी नहीं आते ये पढ़ने से, बट मतलब ऐसे इतना बड़ा चीज़ नहीं है, बट थोड़े छोटे छोटे चीज़ आपको याद रखना चाहिए। इसका प्रेजेंटेशन कैसे हम देखते हैं, सपोज एक नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट है, ओके, तो इसके बारे में कैसे उन लोग ने प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, ऐसे काम स्ट्रक्चर कैसे करते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, तो ये काफ़ी लिजिबल टाइप से लिखा है, आप आराम से इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो आप जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं और करंट अफेयर्स रिलेटेड भी इसमें प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं, मतलब इसमें काफ़ी सरल लैंग्वेज है, प्रेजेंटेशन भी काफ़ी बढ़िया है, फ़ॉन्ट साइज वगैरह तो कंफर्टेबल ही है। ओके, तो इनमें कुछ शॉर्ट एनालिसिस बता रहे हैं लाइक मेक इन इंडिया का, मतलब ये ऐसे जो मैनेजमेंट अप्रोच है ना, अलग डिफरेंट पैरेटो डायग्राम्स है, ये सब चीज़ आप आपका एसे में यूज़ किया तो थोड़ा बहुत वैल्यू बढ़ता है एक्चुअली। ओके, तो आप उसके बारे में सब कुछ उसमें देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वगैरह। ओके, अभी मैं आप लोग से एक इम्पोर्टेंट कोर्स के आप लोगों के लिए कोई यूज़फुल चीज़ें बताते जाता हूँ हमारा जो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको एक टेस्ट सीरीज़ का बारे में बात करने वाला हूँ। ओके, वो करंट अफेयर्स रिलेटेड है, क्योंकि हमें पता है यूपीएससी का जितना भी अगर क्वेश्चंस आपने देखा तो करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। ओके, एंड ये जो भी चीज़ आपसे मैं बताने वाला हूँ ये जो टेस्ट सीरीज़ के बारे में, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज़ है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स लोगों के लिए। तो हम देखते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है। ये मेन चीज़ है डेली प्रैक्टिस टेस्ट, जितना भी टॉपर का वीडियो देते हो हमेशा बोलते रहते हैं यार आपका मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में आप जाके प्रीलिम्स में तो आपको मॉक टेस्ट ही देना पड़ता, टेस्ट ही देना पड़ता है ना। एंड ये जो टेस्ट है अन अकेडमी का टॉप एजुकेटर्स ने क्रिएट किया है एक्चुअली। ओके,
ओके। उसके साथ साथ आपको डिटेल एनालिसिस भी मिलते हैं एग्जाम का, वो भी टॉप अर्नर अकेडमी का जो यूकेट जैसे लाइक आदिश माथुर सर एंड आनंद अग्रवाल है। एंड आल्सो आप लोगों को जो आपका रैंकिंग पता चल जा रहा है, मतलब आपने एक टेस्ट लिखा, सिर्फ आपने लिख रहा है, काफ़ी सारा हज़ारों लोग लिखते हैं अन अकाडमी के प्लेटफॉर्म में, तो आपको पता चला यार आप टॉप में आ रहे हैं कि मिडिल में आ रहे हैं कि बॉटम में आ रहे हैं, तो आप इम्प्रूव कर सकते हो आपको इसके ऊपर। ये जो टेस्ट है आप दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, एक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, तो हिंदी मीडियम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको भी ये बिल्कुल फ्री में टेस्ट मिलने वाला है। तो इसको टेस्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें मैं उसके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली 20 क्वेश्चन रहते हैं और सिर्फ 20 मिनट का एक टेस्ट है, तो आप सोचो एक मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है, टोटल 40 मार्क्स का, लाइक 2 मार्क्स का दिया काउंटिंग। एंड डेली आपको रात को जो 7:30 PM है टेस्ट, आप सिर्फ 20 मिनट्स का सोचो रोज़ करते जा रहे हो, तो आपका जो MCQ अटेम्प्टिंग स्किल अच्छा हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका एलिमिनेशन स्किल अच्छा हो जाएगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको एक एनालिसिस भी मिलता है एग्जाम के बाद, ओके। और डिटेल टेस्ट एनालिसिस सेशंस भी उसके साथ है, मतलब कोई भी एजुकेटर आपको एक्सप्लेन करेगा ओके ये टेस्ट के बारे में, ये नॉर्मल टेस्ट डिस्कशन होता है एक्चुअली, ओके। तो इसको आप साइन अप करना काफ़ी सिंपल है, तो आपको जैसे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ पर अन अकाडमी लर्निंग ऐप आप लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लो, साइन अप कर लो एंड बिल्कुल आप इसको एक्सेस कर दीजिए, ओके। सिंपल प्रोसीजर है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें आप चेक कर दीजिए। और इसमें अगर आप अन अकाडमी का जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज़ अभिराम YT10 कोड आप यूज़ किया था, तो आपको पता है अभी का जो सिचुएशन है, आप घर बैठे पढ़ाई करने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है अन अकाडमी। अभी आप दिल्ली जाके कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉकडाउन का इश्यूज चल रहे हैं। एंड अदर थिंग, काफ़ी ह्यूज सेविंग, आप लाइक 40-50,000 में आपको जो एक साल का सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, तो आप दिल्ली में गया तो 1.5 लाख से ऊपर रहते हैं एक सिर्फ जनरल स्टडीज़ का कोर्स के लिए, ऑप्शनल अलग, सीसैट अलग, सब कुछ अलग, बट यहाँ पे सब कुछ, एक मेंबरशिप ले लो आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, ऑप्शनल भी फ्री में एक्सेस करो, सीसैट करो, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। या ऑप्शनल आई थिंक देयर इज़ ए स्मॉल चेंज आल्सो कमिंग अप, तो आप ऑलरेडी वो जो एप्लीकेशन में जाके आप उसको देख सकते हैं, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोगों का दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए आपका जो भी डाउट है, तो हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने के लिए कोशिश कर लूँगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।